आदेश मिला तो रागिनी आपके बीच में कृष्ण सुदामा के मौके की, और मौका हवाला उस समय से जिस समय मिस रानी के बार बार कहने पर समझाने पर वो सुदामा कृष्ण भगवान के दरबार में मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। द्वारपालों ने देखा तो धक्का मार के पीछे हटा दिया और न्यू कह दिया, रे ब्राह्मण रे मांगते तेरे जैसे हजारों आते हैं, अगर तुझे कुछ लेना है कुछ मांगना है तो यहीं से लेकर वापिस चला जा। साथियों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया सुदामा। न्यू कहने लगा, एक बार जाकर के कह दो कि सुदामा मिलने के लिए आया है। एक द्वारपाल को दया आई, सजनों जाकर के कृष्ण भगवान के दरबार में जाकर के बताया कि महाराज नंगे पैर है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है और अपना नाम सुदामा बताता है। साथियों आंखों में आंसू आ गए, आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जैसे कोमल नैना मरे एकदम आंसू भर आए। सजनों भाग के कौड़ी भर ली अपने यार की, सिंहासन पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया, कई रोज महल में रहते रहते हो गए वो सुदामा। न्यू कहने लगा, रे भाई मुझे जाना है, मिश्राणी बच्चे बाट देख रहे हैं। आज वो त्रिलोकी नाथ वो कृष्ण भगवान अपने यार सुदामा को विदा करने के लिए जब नगर से बाहर आए, विदा करके वापिस चल दिए तो कृष्ण भगवान सोच रहे, रे यार तैने कुछ मांगा नहीं, यार मैंने कुछ दिया नहीं। सजनों कैसी यारी है, आज सुदामा मांगने के लिए आया है लेकिन शर्म से अपने यार से कुछ नहीं मांगा और कृष्ण भगवान ने कुछ दिया नहीं। साथियों कवि की कलम चली और कवि ने चार कली लिखी, क्या बताया। रागणी शुरू होने से पहले 20 रुपए से अपना प्यार आशीर्वाद पूरी टीम के लिए, सभी कलाकारों के लिए दिया है, बार बार धन्यवाद। सजनों कैसे बताया कवि ने, क्या लिखा वाला। हे रे तेरे जैसा यार जगत में, और मन टोहे से भी पाया ना, हे रे धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी, मन स्वाभिमान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में टोहे से भी पाया ना, धन्य वही टोटे खोटे जबर घने में, टोटे खोटे जबर घने में, कौन सी बात सही कौन रतानो तक मोहताज सुदामा कौड़ी पास रही, सब तरिया मैंने टोके देखा अपनी आल दई कोना, पर जितने दिन रहा मेरे धोरे तन माड़ी बात कही कोना, ये सब ढाला की कथा कही रे, सब ढाला की कथा कही रे, घर का हाल बताया ना, तेरे जैसा यार जगत में।
जो कि रागणियों के जगत गुरु कहे जाते हैं, आदरणीय गुरुजी ब्रह्मपाल नागर जी बरौला से, उनके छोटे भाई हैं किरणपाल नागर जी बरौला से 501 रुपए सभी कलाकारों के लिए प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सजनों, जोरदार ताली। और दूसरी बात, मैं कृष्ण भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं, सुदामा तैने कुछ नहीं बताया, लेकिन रात मेरे सपने में वो सुशीला भाभी आई थी, तेरी सारी कहानी मुझे बता दी। दूसरी बात में क्या लिखा, ओ भाई वही सपने में मन हूँ, वही सपने में मन तेरे से, हर सपने में मन तेरे से, मिसरानी लड़ती देख लई, यार भूख प्यास से मेरे बच्चों की मैंने आवे उतरती देख लई, यार घर घर धक्के खाए तने, भाई घर घर धक्के खाए तने, तेरी हवा बिगड़ती देख लई, पर मेरे धोरे मेरे धोरे जब आया तने दुनिया हरती देख लई, सुदामा मेरे यार तेने इतने कष्ट सहे और मांगने के लिए आया, लेकिन तेने बताया नहीं, मैं सारी तेरी टोटे की कहानी जानता हूं। साथियों, तीसरी कली में एक एक लाइन एक एक शब्द कवि ने बड़े ध्यान से सुनने लायक लिखा, क्या बताया भला, क्या लिखा, ओ भाई सब जानू तू बाहर निकल गई, सब जानू तू बाहर निकल गई, नैनो नीर बहावेगा, अरे खाली हाथों भेज दिया न्यू सो सो का सुनावेगा, अरे कृष्ण जी को छड़िया रे ठगिया, कृष्ण जी को छड़िया ठगिया, धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार पर मेरे यार मेरे जैसा तन यार न टोहे पावेगा, तन के मेरा तेरे प्यार न बहके, के मेरा तेरे प्यार न बहके, मन टूट तलपी खाया ना तेरे जैसा यार जगत में, है है साथियों। सुदामा चला गया, लेकिन कृष्ण भगवान को चैन नहीं मिला। जो देवताओं का महल तैयार करता था, विश्वकर्मा भगवान को बुला लिया और न्यू कह दिया, रे विश्वकर्मा आज मेरा यार सुदामा दो लोक का राजा बना दिया है, दो लोक अपने यार सुदामा को दे दिए हैं, जाकर के मेरे यार सुदामा का ऐसा महल बना दे, ऐसा महल बना दे जो सारा जमाना देख के दंग रह जाए। चौथी कली में क्या लिखा, क्या बताया भला, ओ भाई वही विदर्भ देश पहुंच मेरे मिंता रे, विदर्भ देश पहुंच मेरे मिंता रे, तेरे चंगे हाल बना दूंगा, अरे तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा,
हीरे मोती कड़ी मणि से, हीरे मोती कड़ी मणि से माला माल बना दूंगा। अरे दुनिया